प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। वास्तु के जानकारों का मानना है कि घर के मुख्य द्वार की बनावट, इसके आकार, प्रकार और मुख्य द्वार पर बने निशान काफी हद तक आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश बनवाने से क्या लाभ हो सकता है। ऐसी मानता है यदि घर में कोई वास्तु दोष हो तो कलश का स्थापना यदि कर दिया जाए ईशान कोण में या मुख्य द्वार के सामने तो उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और कलश का स्थापना मुख्य द्वार पर करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहता है, घर में बरकत होती रहती है। घर का मुख्य द्वार और भाग्य मंगल कलश। कलश का अर्थ संपन्नता होता है। कलश शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगहों पर की जा सकती है, एक मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए, इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। वास्तु के जानकारों का यह भी मानना है कि घर का मुख्य द्वार बेहद खास होता है, क्योंकि यही से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को वास्तु और ज्योतिष के नियमों को ध्यान में रखकर करवाएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाने से क्या लाभ हो सकता है। मुख्य द्वार को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए वंदनवार का प्रयोग किया जाता है। वह वंदनवार जो है वह आम के पत्ते से, अशोक के पत्ते से, उसके बाद सीप से, मोती से, रुद्राक्ष से, कई प्रकार से बनते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, देवी देवता का वास अच्छा से होता है और जो निगेटिव एनर्जी है वह उस घर से दूर हो जाती है। इसीलिए घर में वंदनवार लगाया जाना चाहिए। किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। वंदनवार वैसे भी लगा सकते हैं। वंदनवार मंगलवार को लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। घर का मुख्य द्वार बनवाते समय आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके जीवन में खुशहाली आएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।